ये पूरे लाहौल में पाकिस्तान में से जीला ही लगा रहा है, ऐसी मेकिंग है। क्योंकि मैं किसी की नकल नहीं करता, लोग मेरी नकल कर कापियाँ करते हैं, जैसे ख्वाब छला को मैंने उन्होंने नकल किया है और की मैं भी नकल कर रहे हैं। याद नहीं भूलता मैं अभी जीला फुटपाथिया हूँ, जो फुटपाथ में लगाता हूँ मैं, अभी हमने इधर बैठाया है, इतना जगह किया है, उस तरह लगाने शुरू कर दिए। चिकन कीमा देसी घी में बटर में लगाना शुरू कर दिया है और शवारमा चने लगाने शुरू कर दिए। उसके अलावा ये शवारमा चने ये क्या अजीब सीढ़ी स्पेशल चीज़ है, अब मैं क्या बोलूँ, ये राज रहा है, इसको रहने दें। चलो कहते हैं तो मैं बता देता हूँ भाई, मैं मेरी आप ही मैं मस्जिदों में ना अलहमदिल्ला खिदमत कर रहा हूँ। हाँ जी, फ्री दे रहे हैं और 20 किलो 30 किलो 35 किलो निकल जाते हैं। बाकी आवाम का जब तक प्यार है ये काम चलता रहेगा, या किसी का एक बंदे का सपोर्ट नहीं, मुझे मल्ला की सपोर्ट है बस, और किसी की सपोर्ट नहीं। मुझे ये बताएं कि क्या आपके इतने पोल्ट्री फॉर्म है, गाय वगैरह भैंसें रखी हुई हैं, डेली इतना माशाल्लाह पकाते हैं, कितना कमा लेते हैं? अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बस इंशाल्लाह मोटरसाइकिल एक हो ले ली मैंने। अच्छा। एक मेरे पास दो है माशाल्लाह गाड़ी, अल्लाह की जबान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नूर तो 5 के साथ मैं हूँ आपके होस्ट राबिया अली। नाज़रीन, इस वक्त मैं जिला साहब के पास मौजूद हूँ। इन्होंने बहुत से छोटी सी दुकान से एक थरे से जो है अपने कारोबार का आगाज़ किया और आज इनकी एक नहीं दो नहीं माशाल्लाह बेशुमार दुकानें जो है इन्होंने बड़े पैमाने पर अपने कारोबार का जो है वो आगाज़ कर लिया है। और अभी भी इनकी जो काम की क्वालिटी है, खाने की क्वालिटी है, जो इन्ग्रीडियंट्स है इसमें डालते हैं, देसी घी, देसी जो मक्खन है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरह ये सफ़र का आगाज़ किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे सफ़र का आगाज़ किया, कितनी मुश्किलात आई और एक थरे से अब इतनी बड़ी बड़ी दुकानें आपने, फैमिली हॉल और बहुत सारी दुकानों का आगाज़ कर लिया, कैसा रहा ये सफ़र? ये बड़ा मुश्किल है जी, इतना मुश्किल सफ़र है कि समझ लें कि ये अल्लाह ने मेरी बड़ी मदद की, रुपये का सदका मिला है। असल में ये चीज़ है कि लोग जो तरक्की करते हैं ना भूखे को देखते हैं ना रज्जे को देखते हैं, टांगे खींचते हैं इनकी, ये बड़ी है। हम मुसलमानों में ये बहुत ज़्यादा है कि टांगे खींचते हैं, कोई चल रहा है कोई को उन्हें बुराइयाँ निकालते हैं, हैं। हाँ जी, तो गौरों में ना मरादों में ये है कि उनके पास इतफाक है तो वो काफर है ना, उनके इतफाक बहुत ज़्यादा है। तो मेरा बड़ा सब 16 साल से रहा, 17 साल मुझे हो गया ये काम करते, मुझे शौक था अच्छी लगाने का, तो वहाँ ने मुझे प्यार दिया अलहमदिल्ला, तब मैं आया हूँ। मैं अभी अपनी औकात नहीं भूलता, मैं अभी जिला फुटपाथिया हूँ, जो फुटपाथ में लगाता हूँ मैं, अभी वहाँ ने इधर बैठाया है, इतना जगह किया है। इंशाल्लाह जब तक जान है वाम का इंशाल्लाह तेरा भरोसा नहीं तोड़ूंगा और कोई खाने में दो लमरी नहीं करूंगा, ये मेरा ईमान है। तो अब तो इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगी महंगी ये चीज़ें हो गई है, लोग अपने घरों में भी ये इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इतना महंगा हो गया है। तो आपकी प्राइस जो है अभी भी 250-300 तक एक डील है, तो मुश्किल नहीं होता? नहीं शायद आप भूल गए, एक साल पहले आपने इंटरव्यू किया था, वो डील 150 की थी, अभी वो मैं 300 की कीजिए, देख रहे फ़र्क तो है, वाम ने साथ दे रही है तो चल रहा है, अभी पहले 150 की थी अब 300 की हो गई है। चलो अल्लाह दे रहा है तो चल रहा है ना, जब नहीं मिलेगा तो फिर काम ख़त्म हो जाएगा। ये वाम का जब तक तो प्यार है ये काम चलता रहेगा, या किसी का एक बंदे का सपोर्ट नहीं, मुझे मल्ला की सपोर्ट है बस, और किसी की सपोर्ट नहीं मुझे, और मेरा शौक है चीज़ लगाने का। और क्या क्या अब इजाफा कर लिया, पहले जो है मखनी हांडी हुआ करती थी और चने होते, हमने मटन के कोफ्ते लगाने शुरू कर दिए, चिकन कीमा देसी घी में बटर में लगाना शुरू कर दिया और शवारमा चने लगाने शुरू कर दिए। उसके अलावा ये शवारमा चने ये क्या अजीब सी स्पेशल चीज़ है, हम चिकन को लेकर बॉयल करके इसको अच्छी तरह धोकर इसको मसाला लगा के फिर इसको पीस करके फिर डालते हैं। ये पूरे लाहौल में पाकिस्तान में से जीला ही लगा रहा है, ऐसी मेकिंग है। क्योंकि मैं किसी की नकल नहीं करता, लोग मेरी नकल कर कापियाँ करते हैं, जैसे ख्वाब छला को मैंने उन्होंने नकल किया है और की मैं भी नकल कर रहे हैं, और चपली को एक डील लेकर आया था, शायद आप याद हो 1000 रुपये की डील लेकर आया था, अभी पूरे लाहौर में जी जी वो सारी डीलें शुरू हो गई हैं, वो चपली ख्वाब और कोफ्ते वगैरह वो मैंने छोड़ दिए। तो डेली का कितना पकाते हैं, कितने मान या कितने किलो? ये तो अल्लाह का माल है, मैं तो माशाल्लाह 5-6 किलो निकल जाते हैं, कोई 20 किलो 30 किलो 35 किलो निकल जाते हैं। बाकी अल्लाह रोजी दे रहा है अलहमदिल्ला, मेरे पास जो लड़के काम करते हैं अल्लाह उसको भी रोजी मिल रही है, मुझे भी मिल रही है, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। जब तक ये ज़िंदगी है तो मैं इंशाल्लाह ऐसे ही काम करता रहूँ, और रश है आप ही कीमा टेस्ट करके जाएँ, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा। आपने पहले ये बताया था कि आपको लगता है कि यही शायद आपकी कामयाबी की वजह है, आपने कहा था कि मैं जो भी करता हूँ उसमें से अल्लाह के नाम पे कोई चीज़ निकाल देता। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं चीज़ें बरकरार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और कर भी रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास मदरसे के बच्चे आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा अब मैं क्या बोलूँ, ये राज रहा है, इसको रहने दें। चलो कहते हैं तो मैं बता देता हूँ भाई, मैं मेरी आप ही मैं मस्जिदों में ना अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत कर रहा हूँ। हाँ जी फ्री दे रहे हैं, और मेरी ख्वाहिश है कि जो मदरसे के जो कारी साहब हैं, मैं मेरी ख्वाहिश है मैं उनकी तरह दूँ।
तो माशाल्लाह सेटअप आपने बड़ा कर लिया है, पहले छोटा सेटअप था, मुश्किल होती है यहाँ? बड़ा लोग बातें करते हैं, एक अकेला बंदा हूँ मैं, सबको देखता हूँ माशाल्लाह, सबको हैंडल करता हूँ। गलती होती है, कल को एक मैं अभी वीडियो में बताया मैंने कि मेरा लड़कों पैसे पकड़ते 3000 कम हो गया। मैंने उस लड़के कुछ नहीं कहता, पैसे काट लो। मैं कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए यार, देखो तैयार किया करो। आपसे चैनल से यही कहना चाहता हूँ, जो मेरे पास कस्टमर आते हैं, मैं सबको बुरा नहीं कह रहा, एक दो होंगे बाकी सारे मेरे फ़ैन हैं, मेरे से प्यार कर रहे हैं, पैसे दिया करें आप, हम मेहनत करते हैं, निक जमाने भी बच्चे हैं। तो रिक्वेस्ट यही है कि आप हमें पैसे दे के जाया करें, कोई 3000 नहीं आप लेकर के, 300 की डील नहीं है, 3000 की नहीं, सिर्फ 300 रुपये की डील है। तो यही मेरी रोजी रोटी है, तो ऐसा ना किया करें, आपकी मेहरबानी है। और हमने पेप्सी की कोक का बाइकआउट किया हुआ है, वो आपको सबको पता है। इकरारुल हसन साहब भी आपके यहाँ आए, तो उन्होंने, उन्हें खाना कैसा लगा? उन्होंने अभी खाया तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने ये देखा, सफाई वगैरह देखी है, वो उन्होंने उसमें मुझे शाबाश दी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह उनका भी कभी भरोसा नहीं तोड़ेगा इंशाल्लाह ताला, कि जो उनको दिखाया है वही इंशाल्लाह वही होगा इंशाल्लाह ताला। वो नहीं होगा कि वक्ती तौर पर सारी चीज़ें साफ कर दी, बाद में वही गंद माना शुरू कर दी, इंशाल्लाह वो नहीं होगा इंशाल्लाह। बहुत से मैंने यहाँ देखे, बहुत से डॉक्टर्स भी आके खाते हैं, लेकिन बहुत से डॉक्टर आपकी मुखालफत भी करते हैं कि आप लोगों को जो है बीमार कर रहे हैं, देसी घी खिला रहे हैं, बहुत हैवी होता है और इसकी वजह से लोग बीमार भी होते हैं। उन डॉक्टर्स को लोगों का क्या कहेंगे, आके खाते भी हैं, मज़ा भी लेते हैं और तनकीद भी करते हैं? नहीं, डॉक्टर साहब मेरे भाई हैं, डॉक्टर फान मेरे भाई है माशाल्लाह, देखा आपने, उन्होंने एक चीज़ अच्छी समझाई, उन्होंने ये गलत नहीं कहा था कि देसी घी ज़्यादा अली बल खा रहे हो, वो जो गलत है मैं भी तस्लीम करता हूँ। अब मैंने जो मकदार है वही मैं चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, जे 10 किलो देसी घी डालता है ना, मैं 2 किलो डाल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रहा। बाकी डॉक्टर साहब आते हैं माशाल्लाह, ये पाकिस्तान जितने डॉक्टर मेरे काबिल एहतराम है, ज़ाहिर है हमारी सेहत का फैले उल्ला नीचे डॉक्टर साहब को जो सेहत का ख्याल रख ले माशाल्लाह। डॉक्टरों की बात माननी चाहिए, जो सेहत के लिए नई चीज़ अच्छी है वो हम भी यूज़ नहीं करेंगे, किसी के खिलाफ नहीं, ऐसे नहीं हम वीडियो लगाते ना, हम सोचते हैं यार जी जो 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 डॉक्टर ने कह दिया गलत है वो गलत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ये देखिए, अभी कीमा सूखेगा जितना, ये सारा छा जाएगा, सारा पानी सूख जाएगा, ये आपके सामने नजर आ रहा है आपको जी। सर मुझे ये बताएं कि क्या आपके इतने पोल्ट्री फॉर्म है, गायें वगैरह भैंसें रखी हुई हैं, डेली इतना माशाल्लाह पकाते हैं, कितना कमा लेते हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस इंशाल्लाह मोटरसाइकिल एक और ले ली मैंने, एक मेरे पास दो है माशाल्लाह, गाड़ी अल्लाह की जबान के बोल के गाड़ी भी ले लेंगे इंशाल्लाह। जब गाड़ी के पीछे जाऊंगा ना फिर मैं काम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे जो शौक है वाम के पैसे वाम को खिदमत करूँगा, करने का शौक है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर लोगों का नज़र भी आ रहा है, आप मेरे देख लें लाहौर में कितने हैं, आपको सिर्फ देसी घी में 1 किलो गाँव से जिले की वो नजर आएगी इंशाल्लाह। तो जिला फूड एक ही एक ओरिगा सेंटर पे आपकी ये शॉप है, इसके अलावा भी ब्रांचेस खोलने का इरादा है? कोई ब्रांच फायदा ही कोई नहीं मुझे, मुझे पैसे की लालच नहीं, मुझे वाम का प्यार चाहिए, बस मुझे पैसा नहीं चाहिए, वाम का प्यार चाहिए। और मैं जो कहता हूँ, जब तक मेरी ज़िंदगी है ना, मैं अपने अच्छी करा काम, किससे करूँ, लोगों ना दवा मैं। तो फैमिली से भी आगे इस काम को आगे बढ़ा रहा है कोई, और कितना अर्सा हो गया आपको इस काम में? मेरी बेगम को माशाल्लाह हो गया, मेरे साथ काम करते हमें 20 साल हो गए हैं। 20 साल में उसकी खेलने की समझ लगे, फिरने की उम्र थी, तो मैंने काम पर उसको लगा दिया था, अल्लाह जानता अभी भी वो काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। बाकी हम तो सच पूछूँ तो असल मेकिंग जो हम इधर ले आए हैं, वो घर से हम जान छुड़ा दी हमने, हम इधर मेकिंग दिखा रहे हैं। अब स्कूल में है? हाँ जी, नहीं लड़ाइयाँ लड़ाइयाँ जारी रहेंगी साड़ियाँ। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन देखे इन्होंने कितनी खूबसूरत बात की है कि चाहे जितनी मर्जी महंगाई हो, लेकिन ये चाहते हैं कि अवाम का प्यार मुझे मिले, अवाम जो है वो मोहब्बत करे। इसी के साथ मुझे इजाज़त है अल्लाह ने के बाद।